स्थानीय स्तर के नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील इंसान है, और इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है आरजेडी किस तरह से अपना माने इस बार सहभागिता करेगी और किस तरह से लोगों से जुड़ेगी और कैसे कैसे ये लोग काम करेंगे। तो आइए हम उस नेता से आप लोग को मिला रहे हैं। तो हरेंद्र जी आपका बहुत बहुत टाइम फाइव टीम में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि अभी जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है तो आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो एकदम जमीनी स्तर से हो रहा है। एक बूथ 10 यूथ की तैयारी में हम लोग हैं और पूरे बिहार को जितना भी बूथ है सब बूथ पर, एक बूथ पर 10 यूथ का हम लोग का ये तैयारी है। तो आप ये बताइए कि अभी लालू जी रिम्स में अभी है, जेल में है, तो इस पर आरजेडी पर कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी तो उनके रहने से और नहीं रहने से मजबूती और कमजोरी का कोई प्रतीक कोई ही नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा, जदयू पर पड़ेगा, मतलब विरोधियों पर पड़ेगा, क्योंकि लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके व्यक्तित्व के आगे ये सारे विरोधी चित खा जाते हैं। इसका थोड़ा सा अभाव हम लोगों को खटेगा और पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं। आरजेडी के कद्दावर नेता है रघुवंश जी जो आज आप हर पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो अब क्या असर होगा आप लोग पर? रघुवंश बाबू थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। हम लोग जैसे कार्यकर्ता को रघुवंश बाबू पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, नहीं कुछ कहना चाहिए, ना हम कह भी रहे हैं। अगर कुछ कह भी रहे हैं तो उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात को कहें कि रघुवंश बाबू लालू जी के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, राबड़ी देवी से भी उनका कर पूछा। पार्टी हित में यदि सोचते तो इस तरह का जो उन्होंने किया है मुझे पार्टी हित सर्वोपरि है। पार्टी है तो व्यक्ति है। आखिर उनको कैसे आप लोग मनाएंगे? मान जाएंगे और थोड़ी सी उम्र का प्रभाव है, झिझकता है। अभी तो कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है एम्स में। हम लोग नहीं चाहते हैं आरजेडी से 5 गो एमएलसी छोड़ के जदयू में चले गए, उसके आप क्या कहेंगे? जितने लोग गए हैं ये सरकारी दलाल हैं लोग, और सरकारी दलाल का दलाली जहाँ नहीं गलेगा तो विपक्ष क्रियान्वित थोड़े कर सकता है, उसको हिम्मत ही नहीं है। गलत सही सब लोग धंधा करने वाले लोग, बिजनेस व्यवसाय वाले लोग। जदयू के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का इस बार सुपारा साफ होने वाला है। सुपड़ा तो साफ अगर जदयू को हिम्मत है तो अकेले लड़कर देख लेगा कि उसको हिम्मत कितना पानी है। अगर जदयू के नेताओं के पास और कार्यकर्ताओं के पास अगर हिम्मत है तो अकेले लड़कर प्रिया के देख लेगा, उसको अपना औकात का पता चल जाएगा कि हम कितना नया कहाँ है। उससे अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं? जदयू कोई पार्टी है क्या? जदयू कोई पार्टी नहीं है, ये तो महाभारत का शकुनी का मैंने महाभारत में ये शिखंडी का रोल करती है, कि जिस तरह शिखंडी महाभारत में रोल किया करते थे उसी तरह ये पॉलिटिकल शिखंडी है जदयू के लोग।
ऐसे में जदयू के लोग कह रहे हैं कि ये तो कांड का पता चल ही जाएगा और इस बार पूरे माने एक भी अगर सीट से लोग नहीं निकाल पाए हैं। निश्चित ये मैं दावा के साथ कहता हूँ कि पॉलिटिकल शिखंडी है। अगर पॉलिटिकल शिखंडी नहीं है तो हिम्मत है तो अकेले मैदान में लड़कर दिखा दे कि हमारी क्या औकात है। अच्छा एक चीज़ उस दिन हम मानेंगे कि पॉलिटिकल शिखंडी नहीं। बीजेपी जो है वर्चुअल रैली करके कई तरह से रैली करके अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आरजेडी किस तरह से अपनी तैयारी करेगी? हम तो बोलिए रहे हैं आपको कि एक बूथ 10 यूनिट पर हम लोग सारा पूरे बिहार में संगठन खड़े किए हैं, आरजेडी ने किया। ये भी एक चुनाव लड़ने का हम लोग का एक जरिया है, एक माध्यम है।